तो अब जैकब फाटो और रोमन रीन्स का मैच WWE ने कंफर्म कर दिया है। यह मैच हमें समर स्लैम 2025 के अंदर देखने को मिलने वाला है। और इसी के साथ साथ कोडी रोड्स का भी रॉयल रंबल के लिए मैच कंफर्म हो चुका है। कोडी रोड्स रॉयल रंबल के अंदर रॉक को फेस करने वाले हैं। और क्या रोमन रीन्स फ्यूचर के अंदर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन सकते हैं? जिमी उसो को भी लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आ चुकी है। और अब रिकोशे की तरह बॉबी लैशली भी AEW के अंदर फाइनली जा चुके हैं। जॉन सीना आते के साथ किसको फेस करने वाले हैं और भाई ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हमें कब देखने को मिलने वाला है? आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं समर स्लैम के बारे में। तो जो समर स्लैम 2025 होने वाला है उसको WWE ने अभी से ऑफिशियल कर दिया है। 2025 का समर स्लैम हमें न्यू जर्सी से देखने को मिलने वाला है। और एक सबसे बड़ी समर स्लैम की बात होने वाली है कि ये समर स्लैम हमको दो नाइट का देखने को मिलने वाला है। इस तरह रेसलमेनिया दो नाइट का होता है, उसी तरह हमें समर स्लैम 2025 भी दो नाइट का देखने को मिलेगा। तो ये भाई काफी बड़ी गुड न्यूज है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि समर स्लैम 2025 का होने वाला है, लेकिन अब भाई ऑफिशियली WWE ने चीज को कंफर्म कर दिया कि 2025 के समर स्लैम दो नाइट का होगा। तो फिर हमें यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मैचेस देखने को मिलने वाले हैं। और एक मैच ये भी है रोमन रीन्स और जैकब फाटू का। 2025 का जो दो नाइट का समर स्लैम होने वाला है वहाँ पे WWE इस मैच को भी करवा सकती है। का पोस्टर भी करंट टाइम में निकल के सामने आ चुका है। 2025 के अंदर WWE ये मैच करवाने वाली है। यहाँ पर रोमन रीन्स के पास भी अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि समर स्लैम 2025 के आते आते रोमन रीन्स कोडी रोड्स को क्राउन जुवेल के अंदर या फिर किसी और बड़े इवेंट के अंदर हरा दे, रोमन रीन्स एक बार फिर से अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाए और जैकब फाटू को फेस करे समर स्लैम 2025 के अंदर। भाई मैं आपको बहुत पहले से बताते आ रहा हूँ कि रोमन रीन्स एक बार फिर से चैंपियन बनने वाले हैं। पैसा में देखने को मिल सकता है समर स्लैम का, तो रोमन रीन्स एक बार फिर से चैंपियन बनते हुए दिख सकते हैं। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं बॉबी लैशली के बारे में। तो बॉबी लैशली अब फाइनली AEW के अंदर जा चुके हैं। तो करंट टाइम में मैच निकल के सामने आया जो कि AEW के अंदर बॉबी लैशली का किसी रेसलर के साथ होने वाला है। हाँ भाई वैसे देखो ये मैच कंफर्म तो लिया है, लेकिन ये बहुत जल्दी अनाउंस हो सकता है क्योंकि जो MVP है वो फाइनली AEW के अंदर जा चुके हैं। तो फिर हमें बॉबी लैशली भी उनके साथ साथ AEW के अंदर बहुत जल्दी अपना डेब्यू करते हुए दिखाई देने वाले हैं। वैसे भाई देखो मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है कि जो बॉबी लैशली है वो अब AEW के अंदर जा चुके हैं। इतने खतरनाक रेसलर हुआ करते थे बॉबी लैशली WWE के, आप लोग भाई बताना कमेंट करके। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कोडी रोड्स और रॉक के बारे में, क्योंकि इन दोनों सुपरस्टार का हमको मैच देखने को मिलने वाला है रॉयल रंबल 2025 के अंदर। भाई अपडेट निकल के सामने आ रही थी कि जो कोडी रोड्स और रॉक का मैच है रेसलमेनिया 41 के अंदर होने वाला है, लेकिन अगर WWE इस मैच को रेसलमेनिया 41 के अंदर नहीं करवाती है तो WWE इसको रॉयल रंबल के अंदर करवा सकती है। अगर यहाँ पे आप लोग फोटो के अंदर देख सकते हो यहाँ पे कोडी रोड्स के पास अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है। ऐसा हो सकता है कि रॉयल रंबल के बाद कोडी रोड्स से रोमन रीन्स का मैच हो जाए रेसलमेनिया के अंदर, रेसलमेनिया के अंदर रोमन रीन्स कोडी रोड्स को हरा दे और फिर से अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाए। और उसके बाद समर स्लैम जो होने वाला है दो नाइट का WWE का, उसके अंदर रोमन रीन्स जैकब फाटू के साथ कम्पीट कर सकते हैं, वो भी अपने टाइटल के साथ। वैसे भाई मुझे ऐसा लगता है, आप लोग बताना आपको क्या लगता है। और हाँ भाई ये जो सर्वाइवर सीरीज का पोस्टर निकल के सामने है आप लोग जरूर देखो, यहाँ पे मेन कैरेक्टर रॉक है, ब्लड लाइन है यहाँ पे पूरी, सोलो सिकॉर टामा टोंगा है, पूरी ब्लड लाइन है, यहाँ पे साइड में जैकब फाटू भी है। तो ये पोस्टर निकल के सामने आ चुका सर्वाइवर सीरीज का, आप लोग कैसा लगा आपको पोस्टर? मेरे को लगा बस आपको दिखाना चाहिए। और हाँ भाई जितने भी लोग अभी यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं ना, उन सभी से मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आज तक हमें WWE के अंदर बहुत सारे सुपरस्टार देखने को मिले हैं जिनकी स्पेयर काफी ज्यादा खतरनाक थी, जैसे कि बटिस्टा हो गए, गोल्डबर्ग हो गए और एज हो गए, अभी लैशली भी, रोमन रीन्स भी और भी बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं। तो आज आपको क्या करना है, कमेंट में सारे लोगों को यही बताना है कि WWE के अंदर सबसे बेस्ट स्पेयर किस रेसलर्स की है, या सबसे बेस्ट स्पेयर गोल्डबर्ग की है या फिर रोमन रीन्स की है, सारे लोग कमेंट करके जरूर बताना। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं जय उसो के बारे में। तो जय उसो बन चुके हमारे न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, लेकिन जय उसो टाइटल को मॉडिफाई कर सकते हैं जैसे लोग थार को मॉडिफाई करवाते हैं। भाई अपडेट निकल के सामने आ चुके हैं, आप लोग इस फोटो के अंदर देख सकते हो जय उसो के पास इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप है और ये नॉर्मल वाले नहीं है, जय उसो ने इसको मॉडिफाई करवा रखा है, ये ब्लू करवा दिया पूरी जय उसो ने इसको। ऐसे हाँ भाई चैंपियनशिप को मॉडिफाई करवा सकते हैं जय उसो, क्योंकि जय उसो WWE काफी ज्यादा प्रॉफिट करवा रहे हैं। और हाँ भाई प्रॉफिट से याद आया, आप लोग ये वाली लिस्ट देखो, यहाँ पे टॉप 5 WWE के सुपरस्टार उनके वो वाली मर्चेंडाइज है जो की सबसे ज्यादा सेल हुई है। यहाँ पे सबसे टॉप के ऊपर रोमन रीन्स है जिनकी OTC वाली टी शर्ट काफी ज्यादा बिकी है, नंबर सेकंड पर भी जय उसो है, नंबर थर्ड पर भी जय उसो है, नंबर फोर्थ पर भी जय उसो ही है। जय उसो की जितनी भी भाई टी शर्ट है यीट वाली सारी कुछ बिक चुके हैं, मतलब भाई जय उसो काफी ज्यादा प्रॉफिट करवा रहे हैं WWE को। अभी फिफ्थ नंबर पे यहाँ पे जॉन सीना की फेयरवेल टूर वाली टी शर्ट है, तो जॉन सीना की भी टी शर्ट बिक रही है, मतलब बिल्कुल साफ है WWE को सबसे ज्यादा प्रॉफिट अभी जय उसो से हो रहा है। शायद इसलिए जय उसो को WWE ने चैंपियन बनाया ताकि और ज्यादा प्रॉफिट करवा सके WWE जय उसो से। हाँ भाई हम लोग रोमन रेंज के बारे में बात करते हैं, तो रोमन रेंज को लेकर काफी बड़ी अपडेट निकल के सामने आ चुकी है। मैंने आपको बताया था कि रोमन रेंज फ्यूचर के अंदर चैंपियन बन सकते हैं, इसके बहुत ज्यादा चांसेस है। और अभी अभी वाली फोटो भी निकल के सामने आ चुके हैं रोमन रेंज के, जहाँ पे रोमन रेंज के पास वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप है। तो क्या भाई रोमन रेंज वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन सकते हैं? तो देखो भाई इसके बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि रोमन रेंज WWE के फ्यूचर के अंदर एक बार फिर से चैंपियन बनने वाले हैं, चीज 100% कंफर्म है। भले ही वो चैंपियनशिप अनडिस्प्यूटेड वाली हो या फिर वो वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल हो, कोई ना कोई एक टाइटल WWE रोमन रेंज को दिलवाने वाली है। तो इसका मतलब यह है कि रोमन रेंज फ्यूचर के अंदर वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल को भी जीत सकते हैं। वैसे आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या लगता है, क्या रोमन रेंज वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन सकते हैं या फिर नहीं? उसके बाद जो आप लोग ये लिस्ट के ऊपर सुपरस्टार देख पा रहे होंगे, इनका रिटर्न हमें रॉयल रंबल के अंदर देखने को मिलने वाला है। इस फोटो के अंदर रॉक है, ब्रॉक लेसनर है, जिमी उसो और बिगी है।
अगर सबसे पहले हम लोग फाइनल बॉस रॉक के बारे में बात करें तो देखो रॉक को इतना ज्यादा समय लगने नहीं वाला है। रॉक रॉयल रंबल के अंदर वापस नहीं आने वाले, बल्कि रॉक सर्वाइवर सीरीज के अंदर ही वापस आने वाले हैं। और अगर हम लोग ब्रॉक लेसनर के बारे में बात करें तो ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हमें रॉयल रंबल के अंदर देखने को मिल सकता है। भाई सबसे बेस्ट जगह अगर ब्रॉक लेसनर के लिए कोई होगी तो वो रॉयल रंबल ही होगी, जहाँ पे ब्रॉक लेसनर अपना फाइनल रिटर्न करे। और हाँ भाई बिगी के बारे में बात करें तो बिगी अपना 3 से 6 महीनों के अंदर रिटर्न कर लेंगे, क्योंकि मैंने भाई आपको इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो के अंदर बताया था कि बिगी ने अपने डॉक्टर से बात करी है, क्योंकि डॉक्टर ने उनको बोला है कि 3 या फिर 6 महीनों के अंदर तुम बिल्कुल सही हो जाओगे तो फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जा सकोगे। और हाँ अगर हम लोग जिमी उसो के बारे में बात करें तो जिमी उसो भी भाई हमें बहुत जल्दी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि जिमी उसो की कोई भी हालत वगैरह खराब नहीं है, जिमी उसो बिल्कुल फिट एंड फाइन है। और रोमन रेंस के ओजी ब्रैडन भी बनने वाले हैं, उसके अंदर भी जिमी उसो होने वाला है, तो बहुत जल्दी जिमी उसो भी आएंगे, या फिर तो हमें जिमी उसो सीधे रॉयल रंबल के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं, नहीं तो सर्वाइवर सीरीज के अंदर जिमी उसो आ सकते हैं। बाकी हमारे आज के वीडियो को बस इतना ही रखते हैं, आज की वीडियो के लिए यही कुछ अपडेट थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार भी आ रहे हो तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोग चैनल को भी जो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल के ऊपर डेली आपको वीडियोस देखने को मिलती है डब्ल्यूडब्ल्यूई की, तो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और अगर आपको मेरे से कोई भी बात करनी हो तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आप सबसे अपने अगली ही नेक्स्ट वीडियो में।